मौसम के पहले ही जोरदार बारिश ने नवी मुंबई का बुरा हाल कर दिया। जगह जगह पानी भर गया, सभी यातायात भी प्रभावित हुई। सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर तीनों ही ट्रेन की सेवाएं ठप हो गई थी, पर धीरे धीरे कुछ ट्रेनें शुरू की गई, पर वह भी धीमी गति से चल रही थी। हार्बर लाइन सिर्फ पनवेल से वाशी चल रही थी, वह भी स्लो रफ्तार में। सड़कें पानी से लबालब दिखी, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज भी पूरे दिन बारिश की झड़ी लगी रही। प्रशासन ने सभी मनपा स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया और साथ ही लोगों को घरों में रहने की सलाह भी दी। ऑफिसों में भी कम ही हाजिरी रही। लोगों ने इतनी बारिश में घर में रहने का मन बनाया ताकि कोई और परेशानी में ना उलझे। सड़कों से पानी निकालने के लिए पालिका ने गाड़ियों का सहारा लिया। पंप द्वारा पानी निकालने की कोशिश की जा रही थी। बारिश के कारण मुंबई यूनिवर्सिटी में आज होने वाली सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश आने वाले कुछ समय तक ऐसे ही बनी रहेगी। शहर में पेड़ों और बड़ी बड़ी शाखाएं गिरने की 12 घटनाएं सामने आई और दो जगहों पर बहुत ज्यादा पानी भर गया, जिस पर तत्काल कार्रवाई की गई। ऐसी जानकारी महापालिका ने पत्रकारों को दी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणित कापसे के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट। इसमें हम मौजूद है वासी सेक्टर 30 में। रात में मूसलाधार बारिश होने के कारण यातायात साधनों पर और लोकल ट्रेनों पर काफ़ी असर पड़ा है और देखा जाए कि यात्रियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही मूसलाधार बारिश होने के कारण ये पता चल गया कि यहाँ के प्रशासन ने क्या कार्य किया है। कैमरामैन प्रणीत कापसे के साथ पंकज बेनवंशी, नवी मुंबई आवाज़।